सेकेंड फिल्म हो गया क्या था कभी अब कभी डाउन के ऑडिशन के लिए मैं गया हुआ था राजकोट, तो वहाँ पे डिस्कस हो रही थी कि हम कैसे करें। तो मैं मार्केट के आर्टिस्टों के चक्कर में मेरे काफ़ी टाइम जा रहे थे, तो मैंने कहा कि यार कुछ ऐसा सब्जेक्ट लें कि यूथ को पसंद आए, और यूथ ओरिएंटेड चीज़ को अगर लेके जाते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली अगर यूथ को पसंद आ गई तो हमारा मतलब जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा और हमारी जो बात हम जो कहना चाहते हैं वो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। तो समझो वहीं से एक हीरेन करके उसका मयूर का छोटा भाई है, उसने एक थॉट दी मेरे को कि अगर इस टाइप का चीज़ अगर लेके चले तो कैसा रहेगा। तो फिर वहीं से समझो शुरुआत हुई मेरी और मैंने फिर लिखना शुरू किया। मैं कांतिक भाई साहब, कांतिकरण धरनी जी, और आज मकड़ जाला कंप्लीट हुई है जो बेसिकली यूथ पे ओरिएंटेड है, स्टूडेंट टीचर के रिलेशन के ऊपर बनी फिल्म है। कैसे बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मारपीट करते हैं, नशा पानी करते हैं और कैसे गलत ट्रैक में चले जाते हैं, फिर पॉलिटिशियन कैसे उनको मिसयूज़ करते हैं। राजनीति के दो रूप हमने दिखाए हैं, अच्छा और बुरा। अब वो जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए, आज भी वो चीज़ बना हुआ है, कौन अच्छा है कौन खराब है जज करना बहुत मुश्किल है। तो हमने वो दोनों पहलुओं को भी रखा है कि कैसे बच्चों को ट्रेप करते हैं, कैसे बच्चे गलत राह पे जाते हैं। अगर सही लाइन देना चाहते हैं, टीचर और पेरेंट्स को सबसे बड़ा दुश्मन टीचर और पेरेंट्स को समझते हैं। जब तक कोई बात समझ में आए या तो वो पुलिस फाइल में जा चुके होते हैं या पुलिस नशे पानी की लग चुकी होती है या फिर वो पढ़ाई लिखाई से हाथ धो बैठते हैं। अब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका संस्कार अच्छा ना हो, वो लाइफ में क्या अच्छा कर सकता है? कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। तो वो चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की है, फिर कैसे वो बच्चों को रियलाइज़ होता है जो तकदीर वाले हैं और बाकी जो तकदीर नहीं है वो कैसे वो ट्रैप हो जाते हैं, अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं, और जो तकदीर वाले हैं वो टीचर के पास जाते हैं, फिर टीचर कैसे उनको उन मुसीबतों से छुटकारा दिलाते हैं, वो हमने फिल्म में दिखाया है, जो डेफिनेटली आपको इंटरटेनमेंट करती है, मेरी गारंटी है। अगर आप फिल्म देखेंगे बोर नहीं होंगे, 2.5 घंटे आप इत्मीनान से बैठ के फिल्म देखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ की? सर मैंने इसकी शूटिंग राजकोट में की है, गुजरात में, आनंद में, मुंबई में भी हमने की है, छत्तीसगढ़ में की है, ऐसे ज़्यादातर इसकी शूटिंग आउटडोर हुई है। आपके कलाकारों का चयन करने का प्रक्रिया क्या था, कैसे आप इन कलाकारों के? सर मेरा बताया ना कि मैं एक अलग ही टीम बनाने के लिए मैं निकला हुआ था, कि मेरे को चाहिए था सिर्फ एक्टर नहीं चाहिए था, मेरे को पागल एक्टर चाहिए था, सिर्फ मेरे को टेक्नीशियन नहीं चाहिए था, पागल टेक्नीशियन चाहिए था जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ अगर काम करूंगा तो मेरे को जो चाहिए उससे ज़्यादा वो करके देंगे। एज डायरेक्टर मेरे को जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कैरेक्टर पे, अगर मैं जो नीडी आर्टिस्ट है कह दो, जो पागलपन अगर एक्टिंग के लिए भरा हुआ है, अगर उनसे अगर मैं कोई चीज़ करवाना चाहूँगा तो मैं जैसा चाहूँगा, जैसा मेहनत करूँगा उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो बस उसी में हमने ऑडिशन वगैरह करी और ऑडिशन के साथ साथ सब लोग मिलते गए और आज कारवा बन गया है। सर कौन कौन कलाकार आपकी फिल्मों में? सर अमित पुंडीर है, अश्मिता बख्शी है, अनन्या चौधरी है, जीत राय है, अशोक बंतिया जी हैं, रवि खानविलकर जी हैं, श्याम लाल है, और अपना तनेजा जी हैं। आपके फिल्म का तो बेस काफी कुछ एक्शन पैक्ड नजर आ रहा है। जी संगीत का कहाँ स्थान था, संगीत का कैसे क्या किया? सर ऐसा है कि गाने सब सिचुएशनल गाने हैं इसमें, और पांचों गाने आप सुनेंगे अलग अलग मूड के गाने हैं, जिसको आप डेफिनेटली इन्जॉय करते हैं। एक बार आप सुनेंगे तो आप चेंज नहीं करेंगे, एक बार सुनने का मन करेगा। बस शॉर्ट में यही कहूँगा, एक एक चीज़ पे हमने मेहनत की है, म्यूज़िक राहुल तिवारी ने दिया है, उसने भी मेहनत की है, और पूरी टीम, हर्षुक धायल जी ने गाने लिखे हैं, चीची पासवान ने, सत्यपाल चंद्रा ने, और सब ने जैसा मैं चाह रहा था वैसे बैठ के टाइम दिया है और मेहनत की है, जिसका रिजल्ट अभी आया है, वो जो सामने आपको दिख रहा है। आपकी फिल्म आ रही है 8 तारीख को रिलीज़ हो रही है, तो आपकी क्या उम्मीद है दर्शक इसे कैसे पसंद करेंगे? सर दर्शक डेफिनेटली पसंद करेंगे, मेरा अभी तक का मतलब जजमेंट है कह दिया जाए, क्योंकि मैं लोगों को इंटरटेन करने में भरोसा करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इंटरटेनमेंट किया, लोग अगर बोर नहीं हुए तो डेफिनेटली उनको चीज़ पसंद आएगी। तो मैंने जब बनाया है तो एज ए सिर्फ डायरेक्टर मैंने फिल्म नहीं बनाई, एज ए डायरेक्टर राइटर मैंने फिल्म नहीं लिखी, मैंने अगर इसको देखा तो भाई क्या चीज़ पसंद आएगी, कैसे डायलॉग को एंजॉय करेंगे, कैसे स्टोरी एक दूसरे को कनेक्ट करके रखेगी, कैसे हम पिक्चराइजेशन करेंगे तो कैसे मज़ा आएगा लोगों को, फिर कैसे हम सीख देंगे, तो ऐसे सारी चीज़ों के ऊपर हमने सोच समझ के फिर लिखी। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ स्टोरी मेरी बहुत अच्छी है, कि अगर आप देखेंगे फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे, एक किसिंग सीन है जिसकी वजह से हमको ए सर्टिफिकेट मिला है, अदरवाइज़ आप फिल्म पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप बोर नहीं होंगे, कितना इंटरटेनमेंट होंगे
वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आप बोर नहीं होगे ये मेरी गारंटी है। ढाई घंटे आप बिल्कुल हल्के फुल्के माहौल में फिल्म देख के आप निकलते हो। थैंक यू। आज से 20-30 साल पहले एक फिल्म बनी थी, धर्मेंद्र सोनू वालिया और हिम्मत गड्ढे को लेकर, 25 का आंकड़ा। हाँ जी। इसकी पूरी शूटिंग पटना में हुई थी और उस फिल्म का बेस भी यही था। कॉलेज के बैकग्राउंड पे दो ग्रुप दूसरे लड़कों को लड़ाते हैं। ये अलग बात है कि किसी किन्हीं कारणों से फिल्म रिलीज ना हो पाई पूरी फिल्म बनने के बावजूद। जी जी जी। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सर, सच बोलो तो उस फिल्म के बारे में आप बोल रहे हैं, आपसे मैं सुना हूँ, इससे पहले मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। और बताया ना कि बिल्कुल, वैसे तो इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी फिल्में बन चुकी हैं कि अगर कोई बोले कि मैं नया सब्जेक्ट ला के बना रहा हूँ तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है। हाँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग में आप क्या नयापन दे सकते हो, पिक्चराइजेशन में आप क्या नयापन दे सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट है और मैंने वो देने की कोशिश की है, जो डेफिनेटली आई होप आप सबको पसंद आएगा।